चल टीवी न्यूज। प्रदेश में जाट आरक्षण को लेकर मचाए गए तांडव पर अब जहां व्यापारी वर्ग और अन्य लोग आवाज उठाने लगे हैं, वहीं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए व्यापारियों की दुकानें लूटने और जलाने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह जैसे मामले दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस लूट और आगजनी से प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की वकालत की है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बाकी बिरादरियों का क्या कसूर है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की वायरल हुए ऑडियो कॉल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के सामने आने से पहले ही पता था कि प्रदेश में क्या होने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने सैनी के बयानों पर बचाव करते हुए कहा कि सैनी ने ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने छत्तीस बिरादरी की बात कही है। पूर्व सीएम द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किए जाने पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जहां प्रदेश जल रहा था तो उन्होंने दिल्ली में अनशन करने की क्या जरूरत थी, अच्छा होता वे जल रहे प्रदेश में आते ना कि दिल्ली में रहते। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उसके लिए इन्हें प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी जिन्होंने आग लगाई है। इस मौके पर जाट आंदोलन के दौरान फरीदाबाद जिले में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों और अधिकारियों का आभार जताया। मैंने फरीदाबाद की जनता को, यहाँ की 36 बिरादरी के लोगों को बहुत धन्यवाद करा है और यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद करा है कि तमाम भारत के लोग फरीदाबाद में रहते हैं। इतने बड़े जो हालात जो प्रदेश में खराब गए, फरीदाबाद एक ऐसा जिला रहा